वहीं से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। साथी उमर अक्सर कहा करते हैं इस दौर की विचित्रताओं को देखते हुए कि इन दिस एरा टू बी डेमोक्रेटिक इज टू बी रेडिकल। बिल्कुल सच, जो कुछ हुआ दादर के अंबेडकर भवन को गिराने के साथ वह निसंदेह न तो संवैधानिक मर्यादा के अनुकूल है, न संवैधानिक परंपरा के अनुकूल है, न संवैधानिक व्यवहार को वह शोभा देता है। लेकिन सवाल है कि इस मुल्क में आप किन लोगों से जमहूरियत की हिफाजत की उम्मीद लगाए बैठे? वो हर वो काम करेंगे जो प्रगतिशीलता को कुचलने के लिए होगा, जो देश की संवेदना को कुचलने के लिए होगा, जो जनमानस पर कुठाराघात करने के लिए होगा। ये नाम अंबेडकर का लेंगे लेकिन काम मनु का करेंगे। अंबेडकर जैसे प्रतीक को, कर्पूरी जैसे प्रतीक को ये सबसे ज्यादा भुनाना पसंद करेंगे। अब आप देखिए कि जेएनयू की लाइब्रेरी का नाम, सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम अंबेडकर लाइब्रेरी कर दिया। अब इस पर बड़ा गौरव अनुभव कर रहे हैं वीपी के लोग। वो कहते हैं कि कलाम के नाम पर करेंगे, कन्वेंशन सेंटर का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर करेंगे, वह स्टेडियम का नाम। साथियों ये महज शुरुआत है, वो अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं। बहुत अचरज नहीं होगा जब ये SIS का नाम मुंजे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज कर दे, जब ये SSS का नाम सावरकर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज कर देंगे, जब ये नाम गोलवलकर के नाम से एनवायरमेंटल साइंसेज का नाम कर देंगे। इनके पास इनके चिरकुट दर्शनकारों की भरमार है, वो सब के नाम पर इस जेएनयू का कबाड़ा करने के लिए लग गए। और मैं कभी कभी डरता हूँ इस बात से। अभी देखिए रीडिंग हॉल जो था जिसमें आपके बैग अलाउड थे, अब दोनों तरफ जिसमें आप बैग नहीं ले जा सकते हैं वह भी खोल दिया गया, और बीच का जो हिस्सा था हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी का जो मेन गेट है उसको बंद कर दिया है। अब हमको लगता है कहीं ये नेहरू का स्टेचू भी ढा के वहाँ कुछ कर ना दें, क्योंकि इन लोगों पर कोई भरोसा नहीं। ये अधकपारी बदमगजी लोग इस देश को तोड़ने वाले लोग। अब सवाल है कि अंबेडकर को किस रूप में आप भुना रहे हैं? अंबेडकर की कही गई एक बात आप नहीं मानेंगे लेकिन अंबेडकर का गुणगान करेंगे। इस देश में रिजर्वेशन को धो पोछ के आप बैठ जाने के लिए हर कारगुजारी करेंगे। कभी फेलोशिप रोका जाता है, कभी फेलोशिप की संख्या घटाई जाती है, कभी ऑक्यूपाई UGC मूवमेंट खड़ा हो जाता है नॉन नेट फेलोशिप को बंद करने को लेकर। तो बेसिकली दर्शनहीन सरकार है, इसको कोई मतलब नहीं है। तमाम जो भी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं उसका बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। ये WTO के सामने घुटने टेकने वाले लोग गांव-गांव जाकर RSS की शाखाएं खोलने में लगे। जब भी यह सरकार में आती है सरकार की जो भी नीतियां हैं, अब देखिए नाम बदलने में मुझे पता नहीं क्यों इन लोगों को की इतनी दिलचस्पी है। शेक्सपियर ने कहा कि दैट वी कॉल ए रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। इन्होंने प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग रख दिया, और जितनी भी जनवादी नीतियाँ थी, जितनी भी जनपक्षधर नीतियाँ थी, सबको उठा के बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया। एक भी नई नीति नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो हर काम करेंगे एकदम पॉपुलिस्ट मेजर के साथ, लोगों को लुभाने के लिए। खाता खुलवा दिया उसमें एक पैसा नहीं है। तो ऐसे ऐसे काम जब आप करेंगे, और दलितों से, पिछड़ों से, पसमानदा तबके से सबसे ज्यादा इनको खतरा महसूस होगा। अब मुझे आश्चर्य होता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह से लोग बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, और जब वीपी सिंह का नाम आप लेंगे, मंडल कमीशन का नाम आपकी जुबान पर आएगा, लोग आपको हिकारत भरी नजरों से देखेंगे। लेकिन मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ कह देना चाहता हूँ अपने साथियों के बीच, इस बात को रखना चाहता हूँ। तो मैं इस बात को बहुत महसूस करता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई नीति नहीं बनी, दुनिया में ऐसी कोई योजना नहीं बनी है जिससे कि इतने बड़े तबके को इतने कम समय में इतना ज्यादा फायदा पहुंचाया गया हो और उनके जीवन स्तर पर इतना काबिले जिक्र तब्दीली लाई गई। इसलिए अब जो 11 महीने 8 दिन की सरकार भी, और बहुत मिलीजुली सरकार, पूर्ण बहुमत की जो सरकार नहीं है, उसके भी फैसले अगर उसके इरादे अटल हों और उसकी नीति में कोई नियत में कोई खोट नहीं हो, तो मंडल कमीशन को लागू किया जाता है, जिसको टेबल नहीं होने दिया जाता था पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा। उस मंडल कमीशन का कुछ लोगों ने विरोध भी किया, कुछ ने समर्थन भी किया, लेकिन वह बहुत बड़ी यात्रा है। और आपको ताज्जुब हो, ये दलितों की, ये पिछड़ों की वो एकता थी जिसकी इस देश को बहुत समय से, लंबे अरसे से जरूरत थी।
उस मंडल कमीशन को लागू करने के लिए उसकी रिपोर्ट को जिस मंत्रालय को सौंपा था वीपी सिंह ने, उसने बड़ी लेट लगी थी, और तब आज ही जाकर उन्होंने उसको श्रम कल्याण मंत्रालय में डाल दिया, जो उस वक्त रामविलास पासवान के अंडर में हुआ करता था। उस वक्त अल्पसंख्यक मामले थे उसके अंदर, उस वक्त आदिवासी मामले थे, उस वक्त अनुसूचित जाति थे, उस वक्त महिला परिवार कल्याण मंत्रालय था, उसमें श्रम विभाग था। ऐसे 6 बड़े मंत्रालय को रामविलास पासवान चलाते थे, और उस वक्त जो उस मंत्रालय के सचिव थे वो एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे। और ये रामविलास पासवान की स्वीकारोक्ति है कि मंडल कमीशन पर जितनी तन्मयता पूर्वक 2 महीने के अंदर उस कमेटी की रिपोर्ट, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को एक पुख्ता ढंग से सामने रख दिया, जिसको टेबल किया जा सका, और 2 महीने के अंदर वो लागू कर दिया। इसलिए इस देश में नियत हो तो काम किया जा सकता है, सीमित संसाधन के अंदर काम किया जा सकता है। बहुत पूर्ण बहुमत की जरूरत नहीं है, 282 MP की जरूरत नहीं है, तब तो ये लोग और ज्यादा तांडव आगे करते हैं। इसलिए साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि समाज के अंदर जो दबे कुचले वर्ग हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, लांछित हैं, लुंठित हैं, उत्पीड़ित हैं, उनकी आवाज को उभारना हो, उनकी आवाज मीडिया में भी नहीं सुनी जाती, उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जाती, इसलिए वैकल्पिक स्वर मुहैया कराना हो। इस तरह से जो टूट रहे हैं, इस तरह जो प्रतीकों को नोचने खसोटने की कवायद चल रही है इस देश में, इस मुल्क में जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद फैलाया जा रहा है, जिस वक्त जिस तरह से 2-3 तबकों के बीच तनाव पैदा किया जा रहा है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। इसलिए साथियों, ये जो इस पूरे हिंदुस्तान की छवि को देश दुनिया में जाकर बेचते हैं, वहां पर जाकर धर्म निरपेक्षता को कोसते हैं, ये लोग इस देश को बहुत पीछे ले जाना चाहते हैं। मुझे याद आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन का वह वाक्य, जिनमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक सुंदर दुल्हन की दो आंखें, यदि इसमें से किसी एक को भी खरोच पहुंचती है तो चेहरे की नूर चली जाएगी, चेहरे की रौनक चली जाएगी। ये सिर्फ मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी की बात नहीं थी, इसमें सभी मजहब, उनका जो स्पिरिट था वो था कि सभी मजहब के लोग साथ रह पाएं, एक साथ समाज में वो आगे बढ़ पाएं, सबको तालीम मिल सके। हमें बिगाड़ना उतना नहीं है जितना बनाना है, हमें इस गर्दन को कटाकर इसको, इस शोणित को बहाने की जरूरत नहीं है, जितना कि 12 मासी पसीने की दरकार है इस समाज को बदलने के लिए। इस समाज में जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो पसमानदा कम्युनिटी के लोग हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, वो JNU पहुंच तो जाते हैं लेकिन उनको बाहर कर दिया जाता है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब यहाँ पर ही एक प्रोफेसर को मैंने यह कहते हुए सुना कि डायरेक्ट PhD में ये जो 2 लोग आते हैं रिजर्व कैटेगरी से, सिर्फ 2 लोग, वो इसलिए आए क्योंकि हम नहीं चाहते हैं वो यहाँ आके परेशान हो, वो यहाँ के डिप्रेशन में चले जाएं, वो यहाँ के फ्रस्ट्रेशन में चले जाएं, क्योंकि उनका लेवल ही नहीं है वो रिसर्च कर पाए। ये मानसिकता है और वही बात है कि हम आपको सिस्टम में नहीं आने देंगे। ये जगह बनी ही नहीं थी उन तबकों के लिए। यहाँ तो मिनिस्टर का बेटा आके पढ़ेगा, यहाँ सेक्रेटरी का बेटा आके पढ़ेगा, यहाँ आप लोग आ गए हैं जिनको उनकी आंखों को आदत नहीं है आपको देखने की, इसलिए आप चुप रहें। इसलिए जब भी आप बात करेंगे पिछड़ों की, बात करेंगे दलितों की, बात करेंगे आदिवासियों को, तो रास नहीं आता है। वोट के लिए भले, जैसा अभी कॉम्रेड कन्हैया बोल रहे थे, वोट के लिए इनको अम्बेडकर की याद आती है, लेकिन अम्बेडकर के विचारों को जब जीवन में अपनाने की बात आती है इनको सांप सूंघ जाता है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनका आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। ये वो लोग हैं जो धर्म निरपेक्षता को कोसने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो जिनके गुरु ने ही लिखा We the nation would redefine। उसमें कैसी कैसी वाहियात बातें कही गई जिसको बाद में इन लोगों ने डिसओन करना शुरू किया जबरदस्ती का, कि नहीं, इससे गोलवलकर ने ही अपने आप को डिसोसिएट कर लिया था। शमसुल इस्लाम ने उसमें बड़ी बड़ी काबिलियत के साथ उन तमाम हिपोक्रेसी को उजागर करने की कोशिश की। इसलिए इस देश में ज़रूरत है कि आप कल्चरली लोगों को अवेयर करें, उनके चेतना को जाकर झिझोड़ें, उनकी संवेदना को जाकर झिझोड़ें, उनको उनके सचेतीकरण की आवश्यकता है, उनके संवेदीकरण की आवश्यकता है, जमीन पर जाकर उनको जगाने की आवश्यकता है। भाइयों, आप इन BJP वालों के चंगुल में आकर मत फंसो। ये लोग तरह तरह के लोग देंगे, तरह तरह के लालच देंगे, कहीं पर अंबेडकर की प्रतिमा लगा देंगे, कहीं पर लाइब्रेरी का नाम कुछ कर देंगे। मैं आपको बताऊं कि विश्वविद्यालय के नामकरण से बहुत तब्दीली नहीं आती। बिहार में आप जाकर देखेंगे तो लालू जी ने कई विश्वविद्यालयों के नाम बदले। JP यूनिवर्सिटी छपरा, वीर कुमार सिंह यूनिवर्सिटी आरा, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर, BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, इस तरह से उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज के नाम को बदला। लेकिन हुआ क्या उसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन आ गया? हजारीबाग यूनिवर्सिटी में भी नाम जो है विनोबा भावे के नाम से है, बिरसा मुंडा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को जब आप तक नहीं बढ़ाएंगे, जब तक वहाँ पर फैकल्टी की रिक्रूटमेंट नहीं होगी, एडहॉक सिस्टम पर काम होगा, तो नाम बदल देने से क्या हो जाएगा? इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के जनमानस में हैं, दिलो दिमाग में हैं। जो लोग उनके प्रति आस्था जताते हैं, जिन लोगों को यह महसूस होता है कि उन्होंने इस देश को एक अंधेरे अंधेरे भटकते हुए राह से निकालकर उजालों के सफर की ओर अग्रसर किया, वो लोग उनके प्रति कृतज्ञ, वो लोग उनके प्रति एहसानमंद हैं।
वो लोग इस तरह से चीख चिल्लाकर बातें नहीं करते हैं। हम अम्बेडकर को बहुत ज्यादा मान रहे हैं, अम्बेडकर के प्रति बड़ी आस्था श्रद्धा है, उसकी जरूरत भी नहीं है। अम्बेडकर को, अम्बेडकर ने जो भोगा वो भोगा हुए यथार्थ, सुने हुए यथार्थ से कहीं ज्यादा दुखद था, वो कहीं ज्यादा कष्टप्रद था। इसलिए उन्होंने जो एक बहुत ही शानदार ड्राफ्ट हमारे सामने रखा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें वो सारी बुनियादी बातें हैं जिससे कि उत्पीड़न को घटाया जा सके, जिससे कि एक समतामूलक समाज की स्थापना हो सके, जिसमें सह अस्तित्व के साथ आगे बढ़ा जा सके। और ये भी बड़ी भारी बीमारी है, सारे खामियों के लिए अगड़ी जाति के उन लोगों को भी पोस्ट देना जिन्होंने वाकई बहुत काम किया है, जिन्होंने अपने आप के अंदर जो क्रिमिनलिज्म है उसको चेक किया डेली बेसिस पर, उनसे दूर हुए, उन्होंने इस समाज को अपना कुछ बुनियादी योगदान दिया। मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन बुद्ध की परंपरा में वीपी सिंह भी आए, बुद्ध की परंपरा में अर्जुन सिंह भी आए, जिनकी वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन का प्रोविजन लाया गया। इसलिए साथियों, इस देश में रिजर्वेशन को बचाना, इस देश में उन तमाम उत्पीड़ित समाज के लोगों की चेतना को बचाना है, उनको उन्नयन के रास्ते पर अग्रसर कराना है, प्रखरता के साथ उनकी लड़ाई जो काफी सदियों पीछे रही थी उस लड़ाई को मेन स्ट्रीम में लाना है। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो वहाँ पर दादर में हुआ, इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, और आगे भी ये घटनाएं हो तो बहुत अचरज की बात नहीं है, लेकिन हमें कल्चरल फ्रंट पर बहुत काम करने की जरूरत है। जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर दिया कि हमको इन्फॉर्मेशन मिली है कि अम्बेडकर के नाम पर लाइब्रेरी का नाम रख दिया गया है, इसलिए अब कल्चरल रिवॉल्यूशन, मैंने कल्चरल रिवॉल्यूशन का टर्म इस्तेमाल किया, उसकी शुरुआत होगी। ये किस तरह का कल्चर की बात करते हैं भाई, भारत माता का की जय उचार लीजिए, उसके बाद हर तरह की गुनाह करने की छूट इस मुल्क में आपको मिल जाती है। इस मुल्क को नोचना खसोटना बंद कीजिए, क्योंकि यह मुल्क बहुत लोगों की तपस्या से बना है, बहुत लोगों ने अपने संघर्ष इसमें तपाए हैं, अपने जीवन के अहम वर्ष दिए हैं इस मुल्क को बनाने में। इसलिए इसको इतनी जल्दी से मटिया मेट नहीं कीजिए, और एक तरह के जो औजार कभी मिल जाता है एक जंतु विशेष को, वो अपना ही नाक जो काटने लगता है, वैसा मत कीजिए। ये तार पर चढ़ के ये तांडव करना बंद कीजिए, आपको लोगों ने चुना है, थोड़ा कुछ डिलीवर कीजिए। हम जानते हैं कि आपकी जितनी भी नीतियाँ होंगी वो जन विरोधी होंगी, लेकिन इस तरह से मत कीजिए कि किसी को ढा दीजिए, किसी को तोड़ दीजिए, कहीं उन्माद पैदा कर दीजिए। इससे देश बिगड़ता है, इससे देश की भावना बिगड़ती है, देश को पीछे चला जाता है। इसलिए अपने तमाम साथियों के प्रति शुक्रगुजार हैं कि हम ऐसे संवेदनशील इकट्ठा होते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, और कल भी जो महाराष्ट्र सदन हमारा रिक्वेस्ट है उसमें आप सभी लोग आइए, हम सब मिलकर जाएंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, और यही कहेंगे कि कम से कम जमहूरियत में इतनी आज़ादी तो है, कम से कम जमहूरियत में इतनी आज़ादी तो है, हमको करना खुद है अपने कातिलों का। शुक्रिया।